अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? होपफुली आप बिल्कुल ठीक होंगे। व्यूवर्स, आज जिस मौसम पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो है मौलाना तारिक जमील साहब ने जो कुछ दिन पहले एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि मीडिया बहुत ज़्यादा झूठ फैलाता है, और बाद में उन्होंने टीवी पर आकर अपने इस बयान की माफ़ी भी मांग ली। तो हमारा गुफ्तगू करने का मकसद ये है, क्या उन्होंने ठीक भी कहा है या नहीं? व्यूवर्स, मैं मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर काम कर चुका हूँ, जर्नलिज्म में मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल है जहाँ मैंने काम किया और जहाँ मेरे पास एक्सपीरियंस तकरीबन 10 से 12 साल का है। मुझे तो एक्सपीरियंस इन इदारों में काम करने का, मुख्तलिफ अखबार हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, तो मैं कुछ अपने जो एक्सपीरियंस है वो भी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। तो मैं ये तो नहीं कहता कि मुकम्मल झूठ बोलता है मीडिया, कुछ चीज़ें जो है वो हाइप क्रिएट करता है, इस बात में किसी किस्म की भी जो है तकी छुपी बात नहीं, ये बात बिल्कुल हकीकत है। और जब तक आप हाइप क्रिएट नहीं करेंगे या अपनी रेटिंग को चक्कर में किसी भी तरह से आगे निकल जाएंगे, और ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। बाद वक्त ऐसे होता है कि मेरे पास भी खबर आती है, हम जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो चैनल के मालकान होते हैं, उनकी इजाज़त के बगैर आप नहीं चला सकते, इस बात में भी कोई थकी छुपी बात नहीं। या पॉलिसी मेकर्स जो उनसे बनाने वाले हैं उनकी मर्ज़ी शामिल होनी पड़ती है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं कर सकते। तो अगर हम उनकी मर्ज़ी ना करें या तो हमें टर्मिनेट कर दिया जाता है, या फिर जिस जो बीट हमारी होती है, जिस किसी भी मसलन स्पोर्ट्स की बीट है, हेल्थ की बीट है, पॉलिटिकल बीट है, क्राइम बीट है, वो हमसे ले ली जाती है, क्योंकि उसी के अंदर हमने अपनी खबरों को डिग आउट करना होता है, निकालना होता है, फिर उनसे ले ली जाती है अगर हम पॉलिसी मेकर्स के मुताबिक ना चलें तो। तो इस बात में तो काफ़ी हद तक जो है आप अगर 100% नहीं 90% कह सकते हैं कि मीडिया के अंदर ऐसी चीज़ है, और ऐसे जर्नलिस्ट मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि ऐसा होता है। तो सवाल यह है कि इस तरीके से मौलाना तारिक जमील साहब को बुलाकर प्रोग्राम के अंदर हामिद मीर साहब भी बैठे हुए हैं, अब्दुल मालिक भी बैठा हुआ है, क्या उनसे माफ़ी मंगवानी चाहिए थी? पहली बात तो यह है कि मौलाना तारिक जमील साहब का जो ताल्लुक है वो तबलीग से उनका ताल्लुक है। बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, ईमानदार आदमी हैं, बड़े लोगों को उन्होंने इस्लाम की तरफ लगाया है, बड़े लोगों को उन्होंने जो मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके थे उनके अंदर ऐसी रूप फूंकी कि वो इस्लाम की तरफ चले गए। तो कुछ चीज़ उनको तो इस चीज़ पर समझ आती है कि वो एक इस्लामिक आदमी है, और उस तरीके से उनको बुलाना प्रोग्राम के अंदर, उनसे माफ़ी मांगना, ये बिल्कुल भी मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत किया गया है, इस तरह नहीं होना चाहिए था। अगर हामिद मीर साहब इतने हैं या अब्दुल मालिक साहब इतने दलेर हैं तो फिर खादिम रिजवी साहब से ले लें माफ़ी, मैं भी देखता हूँ किस तरह वो माफ़ करते हैं। हम तो खादिम रिजवी के जलसे भी अटेंड करते रहे हैं, वो तो पढ़ जाते थे आगे से, यकीन मानो पढ़ जाते थे। मैं देखता हूँ वो माफ़ी वो प्रोग्राम में बुलाएं और माफ़ी मंगवा करते हैं, वो तो दूर की बात। आप किसी भी इंतहा पसंद जमात जो कलदम जमात है, ठीक है, अगर वो इस तरह का बयान देती है, क्या आपके अंदर हिम्मत है हामिद मीर साहब, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप इस तरह उनको बुलाकर उनसे माफ़ी मंगवाएं? तो दूसरी बात यह है कि हामिद मीर साहब आपके तो जिस्म में 6-7 गोलियां जब लगी थी कराची के ऊपर, आप तो आज तक वो नहीं बता सके वो गोलियां किसने मारी हैं, और आज तक वो मुल्ज़िम नहीं पकड़े जा सके, ठीक है। मीडिया आप खुद ही अंदाज़ा कर ले, मीडिया पर आए रोजी इमरान खान की हुकूमत जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एक हाइप क्रिएट की जाती है, हर चीज़ नॉर्मल चल रही है, कुछ भी नहीं, आवाम के अंदर खौफ फैलाया जाता है, आवाम को आइसोलेट किया जा रहा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, ये कुछ है आपके पास? तो और फिर मैं प्रोग्राम देखकर मुझे हैरानगी हो रही थी यार, एक महजब आदमी है, दीनदार आदमी है, उसका ताल्लुक तबलीग के साथ है, उससे वो एक दफ़ा माफ़ी भी मांग चुका है, सरेंडर कर चुका है, कह रहा ठीक है मुझसे गलती होगी या मुझे माफ़ कर दो, तो आप उससे हामिद मीर साहब आप उससे घुमा फिरा के फिर सवाल पूछे जा रहे हैं? यार आप सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, कुछ सीखें, मौलाना तारिक जमील साहब से कुछ सीख लें। अगर आप उस मौके पर कहते हैं कि ठीक है अपनी सलाह की जाएगी, जो हमारे अंदर कमियाँ कुतायाँ रह गई हुई हैं वो हम इनको हल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा कभी आपने करने की कोशिश की? और आप जो इतना बता दें कि वर्कर्स जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, जो काम करने वाले हैं, उनकी आप सर्दियाँ मालकान से निकलवा कर दे सकते हैं? इतनी जो आप सच्चाई का दामन पकड़ने वाले हैं तो क्या आप निकलवा कर दे सकते हैं उनसे सैलरियाँ? मुझे बताएं, आपके अंदर इतनी हिम्मत है? तो झूठा हुआ ना, झूठ बोला जाता है, इसलिए आप इस चीज़ को माने, टर्मिनेट कर दिया जाता है, ठीक है, 3-3 माह की सैलरियाँ जो उनसे भी नीचे रह जाती हैं, वर्कर्स हैं ना वो भी, जिनकी खबर के ऊपर आप पूरे घंटे का प्रोग्राम कर रहे होते हैं, वही आप खबरों को डिग आउट करते हैं, उन्हीं की खबर के ऊपर आप पूरे घंटे का आपका मेला से जाकर आप बैठे होते हैं, और फिर बाद में उन्हीं को जो सज़ाएँ मिलती हैं उस वो आज तक कभी उनके लिए आपने
ने रखा। अभी ये गवर्नमेंट चेंज हुई, 23 जनवरी से जो थे बेरोजगार हुए, क्या किया आप? आए भाई, किसी का मसले का हल किया आपने? नहीं कर सके ना, बड़े नामवर एंकर बन गए। आपकी रियलिटी आपके बारे में तो ये मसले, जब आप नए नए सहाफत में आए थे, प्रेस रिलीज दफ्तर में बैठ के आप प्रेस रिलीज मंगवा कर खबरें बनाया करते थे। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हामिद मीर साहब, जिस बंदे ने ये बात की है ये बहुत बड़ी बात है। एज अ जर्नलिस्ट ये जेब नहीं देता। रिपोर्टर जो सा होता है वो फील्ड में जाता है, वहाँ से खबर डिगोट करता है। आप तो प्रेस रिलीज आती है दफ्तर में बैठ कर उसकी खबरें बनाने वाले जर्नलिस्ट हैं, तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? एक दीनदार आदमी के ऊपर बातें कर रहे हैं, एक महजब आदमी है, इस्लाम की तालीमात देने वाला आदमी है, आप उसको पर इस तरीके से प्रोग्राम के अंदर बैठा कर उसको पर इस तरीके से आप प्रोग्राम कर रहे हैं, वो माफिया मांग रहा सरेंडर कर रहे हैं, और आप तीसरा सवाल इससे पूछ रहे हैं? बहन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा 10 से 12 साल का तजर्बा, मीडिया के अंदर झूठ चलता है, अगर झूठ ना चले तो खबर ना बिके, ठीक है? उन्होंने बिल्कुल जेन्युइन बात की है, बिल्कुल हकीकत बात की है, ठीक है? तो इसमें ये कोई धकीचो की बात नहीं है। और जो काम किया है उन्होंने, हामिद मीर साहब, अब्दुल मालिक साहब, अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत है ना, कलदम जमात अगर ये बयान देती है, अगर आप उनसे इस तरह माफ़ी मंगवा देना, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अजीम आदमी, ठीक है ना? इसलिए जो जो गलत बात है वो गलत बात है। मीडिया के अंदर झूठ चलता है, 90% झूठ चलता है मीडिया के अंदर। हाइप क्रिएट की जाती है, लोगों को खौफ फैलाया जाता है, ऐसा हो गया। जब से इमरान खान गवर्नमेंट है, लगे हुए प्रोग्राम में, इमरान इस्टेब्लिशमेंट ले रही है, मुंतखब है, सिलेक्टेड है, जा रहा है, आ रहा है, फलाना नाराज है, अब चला जाएगा, सुबह चला जाएगा, ये हो गया, अब दो तीन साल पूरे भी कर गए। ये है, ये चीज़ें बहाल, ये चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मौलाना तारिक जमील साहब ने बिल्कुल ठीक बात की, हम आदमी के साथ हैं, हम इनसे आदमी प्यार करते हैं। व्यूअर्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।